આગળ વાત કરીએ તો અરુણ જેટલીના બજેટને વ્યાપાર જગતે આવકાર્યું છે. રિલાયન્સના ગ્રુપ પ્રેસિડેન્ટ પરિમલ નથવાણીએ જીએસટીવી સાથેની ખાસ વાતચીતમાં કહ્યું છે કે જેટલીએ આશા કરતા સારું બજેટ આપ્યું છે. नमस्कार, मैं हूं राजेश. बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बातचीत में. जी हां, नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपना एक बार फिर बजट पेश कर दिया है. इस बजट पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं. वरिष्ठ सांसद और राज्यसभा सदस्य और प्रसिद्ध उद्योगपति परिमल नाथवाणी जी. परिमल नाथवाणी जी से हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे इस बजट से व्यापार जगत को कितना लाभ मिला है, क्या व्यापार जगत जैसा सोच रहा था वैसा ही ये बजट है. सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ खास बातचीत में. पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है आज जो आपने देखा कि बजट अरुण जेटली जी जो लेके आए हैं और जो उम्मीद थी उस पर कितना खरा उतरता है? नहीं, उम्मीद से ज़्यादा अच्छा बजट आया है. हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा उद्योग जगत की प्रक्रिया क्या आएगी इसके ऊपर, किंतु एक बहुत बैलेंस बजट देने की उन्होंने कोशिश की है. क्योंकि ख़ास तौर पर फार्मरों के लिए, जिसको एग्रीकल्चर हम बोलते हैं, हेल्थ सेक्टर के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए और हेल्थ के ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है. उससे मुझे लगता है कि जॉब क्रिएशन भी बढ़ेगा और उस मात्रा में ये बजट को उन्होंने ख़ास तौर पे जो टारगेट किया था ये चार सेक्टर थे और इंडस्ट्री के लिए हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा है, पर नेगेटिव भी नहीं है कुछ. तो एक मात्रा में ये बजट उम्मीद से अच्छा था, क्योंकि एक खाली था जो अपने कॉरपोरेट के लिए जो एक टैक्स आना था वो नहीं आया है ज़्यादा, और डिविडेंड के ऊपर टैक्स आया है वो एक पहलू है. अदरवाइज़ ये बजट में किसी को ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, बल्कि ब्लैक मनी जो है उसको बाहर लाने की जो प्रधानमंत्री ने और वित्त मंत्री ने जो कोशिश की है उसे हम बाहर का विदेशी धन तो नहीं लाने की कई दिक्कतें हैं, किंतु देश के अंदर भी कई दुविधा है कि ब्लैक मनी को कैसे मेनस्ट्रीम में लाइन में लाया जाए. तो ये जो उन्होंने जो स्कीम दी है कि ब्लैक मनी को डिक्लेयर आप करें और उसके ऊपर 45% पैसा आप भर दे टैक्स, तो आपका बाकी का जो 55% है वो वाइट मनी हो जाएगा. तो मुझे लगता है कि जो लोग इससे त्रस्त हो गए होंगे ये सुविधा में आके अपना पैसा को वाइड भी करेंगे और सरकार को जो काला धन है वो वापस मिलेगा, इस मात्रा में मुझे लगता है कि सरकार ने अच्छी पहल की है. सर, एक बात है, इंडस्ट्री की हर समय मांग रहती है कि टैक्स स्ट्रक्चर को ठीक किया जाए, बिजनेस करने के लिए माहौल दे सरकार. क्या लगता है कि इस बजट में टैक्स वाली बात जो इंडस्ट्री की मांग थी उस पर कितना काम हुआ है? इसमें काम हुआ भी है और कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, किंतु अगर आप गौर करें तो ग्लोबल सिनेरियो जो है जिसके अंदर शुरू में अमेरिका है, फिर यूरोप था और अब चाइना है, जो ग्लोबल डाउन आया है उसके अंदर भारत और हमारे इंडिया के अंदर एक एक्सपोर्ट का जो हमारा रेशियो है वो भी डाउन नहीं हुआ है और हमारा जीडीपी भी मेंटेन हो रहा है. तो अगर ये माहौल के अंदर कोई ज़्यादा हम उम्मीद करते हैं वित्त मंत्री से या प्रधानमंत्री से, तो ये जीडीपी ग्रोथ को मेंटेन करना भी और भारत की जो शान जो बढ़ रही है उसको भी कहीं ना कहीं भुगतना पड़े, वो एंगल से उन्होंने कोई ज़्यादा इंडस्ट्री को इसमें प्रावधान नहीं किया है, किंतु एक अच्छी शुरुआत की है कि भाई हमारी स्ट्रेंथ क्या है. तो ज़्यादा से ज़्यादा खेतीबाड़ी है, तो कृषि जगत के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए उन्होंने FDI को मंजूरी भी दे दी है 100%. तो FDI आने से फूड प्रोसेसिंग जो हमारे जो फार्मर्स है अल्टीमेटली उसी को लाभ मिलने वाला है. सर, एक बात और थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो उन्होंने विदेशों में जाके निवेश के लिए काफ़ी प्रमोट किया था कि भाई आप चलिए वहाँ पैसे लगाइए, हम तैयार हैं, हमारा घर तैयार है. साथ ही मेक इन इंडिया एक प्रोग्राम आया था, स्टार्टअप इंडिया, कितना बूस्ट मिलेगा इस बजट से? नहीं, मुझे लगता है कि जो पॉलिसी ड्रिवन अभी चल रहा है मेक इन इंडिया के बैनर के नीचे, और अभी कई सारे मुंबई के अंदर इसके ऊपर क्या सेमिनार भी हुए, मुझे लगता है कि भारत ही ऐसा देश है जहां आज
लोग उम्मीद रख के बैठे हैं, और मुझे लगता है डेस्टिनेशन में इंडिया से अभी कोई ज़्यादा कंट्री है नहीं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ सके। जो एटमॉस्फियर है भारत का वो बैलेंस एटमॉस्फियर है, और मुझे लगता है कि मेक इन इंडिया का इफेक्ट जरूर आएगा। इनकम टैक्स लेके जो सरकार ने जो चीज की है उससे कितना संतुष्ट लग रहा है आप? क्योंकि मध्यम वर्ग की एक हमेशा मांग रहती है कि उस स्लैब को थोड़ा ठीक किया जाए, क्योंकि जो नौकरी पैसे वाले लोग हैं, जो मध्यम वर्ग हैं, वो हर समय उन पर प्रेशर रहता है। नहीं, मध्यम वर्ग की जहाँ तक बात है उनके लिए इस बजट में खास कुछ नहीं आया है, बट उनको नुकसान भी नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने वायदा किया था शुरू में ही कि मध्यम वर्ग को बजट के अंदर हम लोग कंसिडर करेंगे और उनका स्लैब घटाएंगे, तो मुझे लगता है धीरे धीरे वो सब चीज़ आनी चाहिए। सर, एक चीज़ देखा जा रहा है बार बार कि व्यापार व्यापार पिछले 2 साल से चर्चा हो रही थी, अचानक आप कृषि को लेकर संजीदा हो गए। आपने मनरेगा जिसको आप कट करने की बात करते, मनरेगा का पैसा बढ़ा दिया आपने, इरीगेशन में बढ़ा दिया, कृषि पे डाल सारा फोकस कृषि की तरफ शिफ्ट कर दिया। ये क्या एक बजट के हिसाब से बिजनेस रणनीति है या फिर चुनावी रणनीति है, क्योंकि कई प्रदेशों में चुनाव भी आने वाले हैं? नहीं, मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर जो है, फार्मर्स जो है, उनकी भी कई कठिनाई है। हम बार बार सुनते थे कि फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं, फार्मर को मौसम की वजह से ग्लोबल जो अभी डिस्टर्बेंस हुआ है उसकी वजह से बार बार बारिश आती है, नुकसान होता है, तो उनके क्रॉप का कोई इंश्योरेंस नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कि हमारा खेतीबाड़ी देश है, खेती प्रधान देश है, तो उनके लिए सोचना कोई बुरी बात नहीं है, किंतु उद्योग से या इंफ्रास्ट्रक्चर से ध्यान भी नहीं गया है। अभी हमने देखा है कि कई रिफॉर्म्स हुए कोल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, कोल की माइनिंग्स का जो ऑक्शन हुआ, टेलीकॉम के अंदर उन्होंने जो डिजिटल इंडिया के बैनर के नीचे जो उन्होंने किया, पावर सेक्टर में किया, और अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड के ऊपर उन्होंने जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के ऊपर जो बताया है। तो मुझे लगता है कि सारे पहलुओं को उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की है, किंतु एग्रीकल्चर में उन्होंने फोकस ज़्यादा दिखाया है, और उस वजह से लगता है कि बाकी के पहलू दब गए हैं, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। अच्छा, बजट में इन सारी बातों की चर्चा की गई, आप भी मानते हैं बहुत अच्छा बजट है, लेकिन हम GST में नहीं कर पाए कुछ, हम लैंड एक्विजिशन ठीक नहीं कर पाए, तो क्या फिर भी अगर ये दोनों चीज़ हो जाती तब ये अच्छा बजट माना जाता या इसके बिना भी अच्छा बजट माना जाता है? देखिए, GST है वो बजट का पार्ट नहीं था, GST है वो एक अलग मुद्दा है जिसको सरकार विपक्ष के साथ बैठ के प्रयास कर रही है उसको लाने के लिए, और GST है वो पूरे देश के हित में है, तो आज नहीं तो कल होना चाहिए। और जहाँ तक लैंड एक्विजिशन की बात है, वो एक पेचीदा प्रश्न बन गया है, तो लैंड एक्विजिशन के बिना इंडस्ट्री भी नहीं होने वाली है, किंतु लैंड एक्विजिशन का जो मामला है वो एक पॉलिटिकल डायलिसिस उसको हो गया है। तो मैं मानता हूँ कि सरकार कुछ ना कुछ पहले तो GST के ऊपर करेगी, फिर मुझे लगता है कि इसके ऊपर सोचा जा सकता है। हाल की सिचुएशन में बजट के अंदर जो हो सकता था वो मुझे लगता है कि वित्त मंत्री ने किया है। सर, इस बातचीत के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद और समय देने के लिए। ये थे परिमल नागपांडे जी, प्रसिद्ध उद्योगपति, जो कि बजट को लेकर हमसे चर्चा कर रहे थे। आज इस बातचीत में इतना ही, अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मेहमान और नए मुद्दे के साथ। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।